पहली बार विधायक बनने के बाद ही सीधे मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय करने वाले भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बन गए, जिन्हें राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुजराती भाषा में शपथ दिलाई। आज भूपेंद्र पटेल ने अकेले ही शपथ ली। एक दिन पहले ऐलान के बाद आयोजित उनके शपथ समारोह की भव्यता में कोई कमी नहीं थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित चार राज्यों के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के बसवराज बोम्मई, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, गोवा के प्रमोद सावंत और हरियाणा के मनोहर लाल भी इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी के इन सभी नेताओं ने और पदाधिकारियों ने भूपेंद्र पटेल को गले लगाकर नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को ट्वीट करके बधाई दी। नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद थे। नितिन पटेल पर सभी की निगाहें थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के ऐलान के बाद से उनकी नाराजगी की अटकलें लगाई जा रही थी। भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नितिन पटेल के घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया था। इसके बाद नितिन पटेल भी सामने आए और नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी प्रकार का संगठन है और मैं आजकल का नहीं, मैंने बार बार बोला है कि मैं 18 साल था उम्र का था तब से जनसंघ से लेके आज दिन तक बीजेपी का कार्य करूं और रहूंगा। कोई स्थान या कोई जगह मिले कि न मिले वो बड़ी बात नहीं है, लोगों का स्नेह प्रेम और सम्मान वही बड़ी बात है। और हमारे ही सब भाई हमारे ही सब बहने जो भी जिसको भी जो स्थान मिलता है वो हमारे ही है। दादा के उपनाम से मशहूर और पेशे से बिल्डर पटेल ने कल शाम राजभवन जाकर राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था। कहा जा रहा है कि अगले साल राज्य में चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से पहले उन्हें लाकर पार्टी लीडरशिप ने सत्ता विरोधी माहौल और पटेल समुदाय की नाराजगी को साधने की कोशिश की है। यही वजह है कि बीजेपी के सामने भूपेंद्र पटेल ही सीएम पद के बेहतर विकल्प थे। इसकी एक वजह तो ये थी कि उनकी साफ और ईमानदार नेता की छवि है, साथ ही पटेल समुदाय पर उनकी मजबूत पकड़ है। उनके होने से बीजेपी के परंपरागत पाटीदार वोट बैंक में फायदा होगा। वहीं एंटी इनकम्बेंसी दूर करने की भी कोशिश की जा सकेगी, क्योंकि गुजरात में पटेल वोट ही निर्णायक साबित हो सकते हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा बीजेपी के ही 28 पटेल विधायक विधानसभा में मौजूद हैं। गुजरात में अगले साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया है। विजय रूपाणी भी 2017 के चुनाव से ठीक पहले सीएम बनाए गए थे और अब 2022 के चुनाव से पहले भूपेंद्र पटेल को सत्ता की कमान सौंपी है। ऐसे में भूपेंद्र पटेल के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे ये कि एक साल बाद चुनाव है, दूसरा ये कि ब्यूरोक्रेसी पर उन्हें लगाम लगानी होगी, एक प्रभावी चेहरा बनना भी उनके लिए एक चुनौती होगा, साथ ही सत्ता विरोधी लहर को खत्म करना भी उनके लिए एक चुनौती है। पटीदार समुदाय को साधना और सरकार और संगठन में तालमेल बैठाना भी भूपेंद्र पटेल के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। इसकी वजह यह है कि चुनाव में संगठन और सरकार में समन्वय न होने से पार्टी को सियासी नुकसान का खतरा है। ऐसे में देखना यह होगा कि इन चुनौतियों से भूपेंद्र पटेल कैसे पार पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।